आज हम करेंगे कविता बात सीधी थी पर। इस कविता को हम एनिमेशन के साथ बहुत इजी मेथड से समझने वाले हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी पोयम के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने से पहले इसकी समरी को जान लेते हैं, ताकि आपको जब मैं कविता समझाऊं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को करूं, तब आपको ये कविता बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए समरी सुनना जरूरी है। देखो, इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ने इस पूरी कविता में एक जो बात बताई है, वो आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं। मान लो अगर आपको कोई कविता लिखनी पड़े या कभी कोई भाषण लिखना पड़े, और ये कहा जाए कि आपको भाषण खुद के शब्दों में लिखना है और सुनाना भी है, तब आपके सामने एक सिचुएशन आ जाए, क्या कि आपको एक शब्द लिखना है जल्दी, या फिर शीघ्र भी लिख सकते हो, आपके सामने दोनों ही ऑप्शन है। तो आप, हालांकि अर्थ दोनों का एक जैसा ही है, तो आप इन दोनों में से कौन सा शब्द चूज करोगे, यानी लिखोगे? या फिर एक और सिचुएशन आ जाए कि बहुत ज्यादा शब्द भी लिख सकते हो या अत्यधिक, शब्द का अर्थ एक ही है दोनों का, लेकिन इन दोनों में से आपको एक चूज करना है और लिखना है अपने भाषण में या कविता में, तो आप कौन सा शब्द चूज करोगे? मेरे हिसाब से आप ये वाले शब्द चूज करोगे। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि आपको शाबाशी चाहिए, आपको वाहवाही चाहिए। जब लोग सुनेंगे आपका भाषण, आपकी कविता, उसमें ऐसे ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द दिखेंगे या अच्छे शब्द दिखेंगे, हिंदी के शुद्ध दिखेंगे, तो आपको शाबाशी मिलेगी, आपको वाहवाही मिलेगी, है ना? ऐसा होता है। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, कवियों के साथ, लेखकों के साथ भी यही होता है। लेखक और कवि क्या करते हैं, मुश्किल भाषा का प्रयोग करते हैं या शुद्ध वर्डों का यूज करना चाहते हैं, जिससे होता यह है कि कविता दिखने की तो अच्छी बन जाती है, लेकिन जब कोई उसे पढ़ता है, एक सामान्य इंसान जब पढ़ता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है बस, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो कविता है जो दिखने में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन जब वो पढ़ता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी सकती थी कि वो आसान शब्दों का प्रयोग करे, जिससे वो कविता के अर्थ को भी समझ पाए पाठक, और जो वो उद्देश्य लिए हुए है, यानी वो कविता कुछ तो सोच के लिखी होगी, कोई तो संदेश होगा उसमें, तो वो संदेश भी उन तक आसानी से पहुंच जाए। तो एक तरीका ये भी था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि कवि मुश्किल भाषा का प्रयोग करते हैं, कवि या लेखक या जो भी। यही बात बताने के लिए कवि इस कविता में अपना उदाहरण लेता है, कहता है कि मैं भी एक कविता लिख रहा था जिसमें मैंने कुछ बताना था। हर कवि का एक उद्देश्य होता है, कोई भी कविता जब लिखता है तो एक संदेश होता है लोगों के लिए। तो कवि भी एक कविता लिख रहा है और उसमें एक संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन जब वो कविता लिखता है और अच्छे भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, यानी अच्छे अच्छे शब्द, थोड़े शुद्ध शब्द, थोड़े मुश्किल शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, तो वो जो बात थी, जो वो कहना चाहता था अपनी कविता के माध्यम से, वो थोड़ी पेचीदा हो गई, वो थोड़ी मुश्किल हो गई, कठिन हो गई, यानी वो समझ में नहीं आ रही थी। उसका कारण यही था कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लिया उसने। अब उसके साथ आगे क्या हुआ, यही इस पूरी कविता की खासियत है, मजा आएगा पढ़कर। देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि बात तो एक मैंने सीधी सी बतानी चाहिए थी, कैसे, कविता के माध्यम से, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा मैंने अच्छी प्रयोग कर ली, यानी अच्छे अच्छे भारी भारी शब्द का प्रयोग कर लिया, जिसके कारण वो बात जरा टेढ़ी फंस गई, यानी समझ में नहीं आ रही थी। उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में, बात को, उस बात को वापिस से पा जाऊं, ऐसा मैंने प्रयास किया। उस प्रयास में क्या क्या किया उसने, उसने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, कैसे, यानी शब्दों को आगे पीछे रखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बात को वापिस पाना चाहता था, अर्थात थोड़ा प्रभावी तरीके से अपनी बात को बताना चाहता था। तो क्या कहता है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को मैंने उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी शब्दों को खूब आगे पीछे कर लिया कि या तो बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, है ना, कुछ तो हो, लेकिन दोनों ही तरीके से बात वहीं पर ही घूमती चली गई, यानी वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी भाषा तो मुश्किल थी ही, भाषा तो पेचीदा थी ही, बात भी मुश्किल होती चली गई, यानी बात भी क्लियर नहीं हो पा रही थी। बच्चों, क्या कभी आपने भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, यस और नो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे कवि कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे पहले धैर्य से सोचना चाहिए था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब वो धैर्य से सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है बात को कि उसको क्लियर कैसे किया जाए। अब वो क्या कर रहा है, अब वो और हड़बड़ाहट में बात को और भी फंसाता चला गया। कवि इसके लिए एक उदाहरण भी लेता है कि जैसे एक नट बोल्ट होता है, आपने देखा होगा, एक पेंच होता है, पेंच और कील में अंतर होता है। क्या फर्क होता है, पेंच में चूड़ी होती है, जब हम उसको कसते हैं तो वो कसता चला जाता है, उसमें थोड़ी मजबूती होती है, और कील जो होती है उसमें चूड़ी नहीं होती, उसको ठोका जाता है ना, किसी भी दीवार पर, लकड़ी पर ठोक दिया जाता है, और उसमें बहुत ज्यादा कसाव नहीं होता बजाय उस पेंच के। अगर आप उस कील को वापस खींचोगे तो आसानी से, यानी थोड़ा सा
जोर लगाने पर वो वापस आ जाएगी, लेकिन अगर आप पेज को खींचोगे वापस तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस चूड़ी के कारण उसमें कसाव आ गया है। तो वही बात एक उदाहरण लेकर कवि कहना चाहता है कि मेरी जो बात थी वो पेज की तरह थी जिसको मैं उस कविता में कसना चाहता था। लेकिन कई बार आपने देखा होगा आप बिना वजह उसको कसते चले जाएं किसी भी नट बोल्ट को, किसी भी पेज को, तो वो चूड़ी मर जाती है। मर जाने का मतलब वो फ्री हो जाता है, वो उसमें कोई कसाव नहीं होता फिर, है ना, आपने भी देखा होगा। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, उसने बुरी तरह से कसना शुरू कर दिया। किसको? उस पेज को। पेज को का मतलब उस बात को जो कविता में वो कसते चला जा रहा है। तो उस बात को वो कसता चला जा रहा है, कसता चला जा रहा है। उससे हुआ क्या? उससे उस बात की चूड़ी मर गई, यानी उस बात का प्रभाव ही खत्म हो गया। जो वो बात कहना चाहता था वो सब नष्ट हो गई। तो उसने क्या किया? उसने उस पेज को कील की तरह वहीं ठोक दिया। मतलब वो बात बन तो रही नहीं थी, प्रभावहीन तो वो हो चुकी थी। तो उसने जैसे तैसे कविता में ही रख दिया, उसको आगे पीछे करके जैसे तैसे बात को घुसा दिया। यानी ऊपर से तो वो ठीक ठाक कविता लग रही थी, देखने में तो वो कविता है, लेकिन अंदर से, यानी जब वो पढ़ते हैं उस कविता को, ना तो उसमें कोई कसाव था, अर्थात वो बात का जो प्रभाव था वो खत्म था, यानी वो अच्छी कविता नहीं बन पाई। ऐसा ही कुछ हम इन पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय, यानी उसको पेज को वापस खोल लेना चाहिए था, यानी उस बात को बाहर निकाल लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जोर जबरदस्ती से, यानी थोड़ा सा प्रयास करने से, थोड़ा जोर लगाने से उसको और कसता चला गया और वो बात की चूड़ी मर गई। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, बात को फंसाता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा वो क्यों कर रहा था? इस कर्तव्य पर, कर्तव्य मतलब वो कार्य करने पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था क्या? तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन होते हैं जो तमाशा देखने वाले होते हैं, लेकिन यहां कविता को पढ़ने वाले कह सकते हो, कविता को पढ़ने वाले होते हैं पाठक। तो पाठक की जो शाबाशी थी, पाठक की जो वाहवाही थी, वो उसको साफ सुनाई दे रही थी कि अगर मैं इस कविता को लिखने में सक्षम हो गया, यानी सक्सेस हो गया, सफल हो गया, इतनी अच्छी अच्छी भाषा के साथ अगर मैं कविता को बता देता हूं, यानी वो बात को स्पष्ट कर देता हूं, तो मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे वाहवाही मिलेगी, ऐसा उसको साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन हुआ उसके साथ उल्टा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात का प्रभाव ही खत्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उसका कोई प्रभाव नहीं था। जैसे ये बात मान लो, इसकी इस पेंच को ये बात है और वो उसे कील की तरह ठोकता चला जा रहा है जबरदस्ती। इससे उसकी जो चूड़ी थी, ये जो गोल गोल है, ये चूड़ी मर गई। चूं पेचीदा का अर्थ क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार गया था वो, थक गया था, बात क्लियर हो नहीं पा रही थी, तो उसने उसी को वहीं पर ही ठोक दिया, यानी रख दिया, जैसे तैसे बात को वहीं पर ही छोड़ दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न उसमें ताकत थी। ऊपर से देखने में तो वो कविता लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई भाव नहीं था, उसमें कोई अर्थ नहीं था। बात ने, जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अभी तक जो वो बात थी वो उसके हाथ नहीं आ रही थी, वो भागती चली जा रही थी, कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर जा रही थी। कवि ने बात को शरारती बच्चा मान लिया है जो उसके हाथ नहीं आ रहा। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। क्या पूछा? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मतलब क्या तुमने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं सीखा जो सरलता से समझ में आ जाए, जो आसान हो, जो लोगों को भी समझ में आए? तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना सीख लो, तुम कवि हो, लेखक हो, कभी तो कुछ ऐसा करो। बच्चों, जो भी व्याख्या मैं आपको समझा रहा हूं वो आप रिटर्न में भी चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगी। वो कहां मिलेगी अभी बताता हूं। देखो, बात सीधी थी पर, इसकी रिटर्न एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी ही, साथ ही आपको इसी कविता के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और इसी का ही दूसरा पार्ट भी है, कविता के बहाने। ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा और उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं यहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदर चैप्टर्स भी आपको यही इसी लिंक पर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने कितना सीखा। अगर इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए भाव के, ऑप्शन बी छंद के, ऑप्शन सी अलंकार के, ऑप्शन डी भाषा के। और आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2,
8-0 सही उत्तर है ऑप्शन डी भाषा के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी। आपके ऑप्शन ए खिलौने के समान, ऑप्शन बी खिलाड़ी के समान, ऑप्शन सी बच्चे के समान, ऑप्शन डी भाग्य के समान। 5-4-3-2-1-0 सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चे के समान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी भाषा। 5-4-3-2-1-0 सही उत्तर है ऑप्शन डी भाषा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी। आपके ऑप्शन ए पेचीदा, बी सरल, सी वक्र, ऑप्शन डी व्यर्थ। 5-4-3-2-1-0 सही उत्तर है ऑप्शन ए पेचीदा। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया।